मैंने पटेल मनीषा आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी में हमने चैप्टर 6 भरत का पार्ट 1 देखा, अब हम पार्ट 2 देखने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हमने पार्ट 1 में क्या लिखा और क्या समझा उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि बालक भरत है, वो शेर के बच्चे को लेकर उसके साथ खेल रहा था। वो कह रहा था कि तुम अपने मुंह को खोलो, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। तो यहाँ पर जो दो तपस्विनियां थी, तपस्विनी एक और तपस्विनी दूसरी, वो दोनों उसे समझाने का प्रयत्न करती है, लेकिन जो बालक भरत है वो मानने का नाम नहीं लेता। वो कहता है, जब तपस्विनी कहती है कि तुम्हें खेलने के लिए हम खिलौना देते हैं, लेकिन तुम इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। तो यहाँ पर वो कहता है कि पहले तुम मुझे खिलौना दो, बाद में ही मैं इस बच्चे को छोड़ूंगा। तब तपस्विनी की जो नजर है वो राजा दुष्यंत पर जाती है और वो उन्हें कहती है कि आप इसे समझाने का प्रयत्न कीजिए। तो वहां पर राजा दुष्यंत वो उसे कहता है कि तुम ऋषि कुमार हो और तुम्हें ये शोभा नहीं देता, तुम तप के वन के विरुद्ध आचरण कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। यानी उनके थोड़े बहुत बोलने पर वो शेर के बच्चे को छोड़ देता है। तो यहाँ तक हमने देखा था कि दुष्यंत उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं और वो बच्चे को छोड़ देता है। आगे एकांगी हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी शब्दार्थ है, बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला, बड़े भाग्य वाला। यहाँ पर दूसरी तपस्विनी कहती है, जब दुष्यंत ने उसे ऋषि कुमार कहा तब दूसरी तपस्विनी कहती है, बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है, यानी हे बड़े भाग्य वाले व्यक्ति यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है इसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि कुमार जाना था। यानी यहाँ पर दुष्यंत कहते हैं कि उसके जो लक्षण है, उसका जो बलवान है, जो तेज है, उसके रूप रंग है, उससे तो यह ऐसा लगता है कि ऋषि कुमार नहीं है, लेकिन ये तपोवन में यानी वन के अंदर रहता है, इसीलिए मैंने उसे ऋषि कुमार कहा। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, यानी ये बात जो बता रहा है, तब बच्चे की हथेली अपने हथेली के हाथ में लेकर वो देखता है। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। यहाँ पर दुष्यंत कहता है कि उसके हाथ छूने से ही मुझे इतना आनंद और खुशी मिलती है। तो सोचो कि जिसका ये पुत्र है, जो बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला जो व्यक्ति है, उसको कितना आनंद होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है, यानी यहाँ पर शब्दार्थ है अचंभा, उसका मतलब है आश्चर्य, आश्चर्य, और दूसरा अर्थ होता है विस्मय, आश्चर्य और विस्मय। तो यहाँ पर वो तपस्विनी दोनों की सामने देखती है, दोनों के मुंह के सामने देखती है और बड़े आश्चर्य की बात है, यानी विस्मय में पड़ जाती है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, यानी तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ। दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। सूरत यानी चेहरा, सूरत का मतलब है चेहरा। यहाँ पर दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस बालक का और तुम्हारा चेहरा है वो बहुत मिलता जुलता है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली, यानी ये तुम्हें जानता भी नहीं है फिर भी उसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। दूसरी तपस्विनी, यह पुरुर्वंशी है। यहाँ पर दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर कहते हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं है,
तो ये किस वंश का बालक है? तो यहाँ पर कुरुवंशी यानी कुरु नाम के राजा का कुल जो होता है उसको यहाँ पर बताया गया है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। यहाँ पर दुष्यंत कहते हैं इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है क्योंकि राजा दुष्यंत वो भी कुरुवंश का था। बच्चे को गोद से उतार कर कुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला या निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र कला किस प्रकार होगा? यहाँ पर दुष्यंत कहता है कि महलों में रहकर, यहाँ पर कुरुवंश की जो रीति है वो ऐसी है कि युवावस्था में वो महलों में रहते हैं लेकिन जब वृद्धावस्था में वो आते हैं तब जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाला, यहाँ पर शब्दार्थ है जितेंद्रिय, उसका मतलब है इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। दूसरा शब्दार्थ है निडर, उसका मतलब है निर्बल। और साधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? यानी उसने अपने वंश की प्रशंसा की है, जो पूर्व वंश का जो नियम है उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि वो पहले महलों में रहते हैं फिर वृद्धावस्था में वो अपने इंद्रियों को काबू करने के लिए वो तपस्वियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं और देवता जैसी शक्ति वाला या निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र नहीं हो सकता। यानी उसके अंदर देवता जितनी शक्ति है और वो निडर है तेजस्वी है तो ये साधारण मनुष्य का पुत्र नहीं हो सकता। दूसरी तपस्वी, हे परदेशी तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। देव पितर शब्दार्थ है देव पितर, उसका अर्थ है देव और देव और पूर्वज। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेशी तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी जो थी शकुंतला, उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। देवता और पूर्वज जो है उसके कारण यहाँ पर उसका जन्म हुआ है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। उसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? यहाँ पर वो कहता है कि उसकी माता है वो कौन से राजा की पत्नी है। दूसरी तपस्वी, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। यहाँ पर विवाहिता शादीशुदा, यानी यहाँ पर दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहित पत्नी यानी शादीशुदा पत्नी की उसको बिना कारण उसे छोड़ दिया ऐसे व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहती। यहाँ पर दुष्यंत स्वयं से यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोल लेकर आ गई। यहाँ पर दुष्यंत स्वयं से अपने आप बात करता है और कहता है कि ये जो कहानी है वो मुझसे मिलती जुलती है यानी मेरी कहानी से मिलती जुलती है, मैं इस बालक की माँ का नाम पूछूं। उसने में जो पहली तपस्विनी थी वो वहां पर मिट्टी का मोर लेकर आती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन ये शकुंतला लावण्य देख, सर्वदमन यानी सब कुछ नष्ट करने वाला
यह सकुंत लावण्य यानी पक्षी का सौंदर्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर कहाँ है शकुंतला मेरी माता। यहाँ पर वो बालक बड़े चाव से देखकर चौंक जाता है कि कहाँ है शकुंतला मेरी माता। तब दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यहाँ पर स्वयं से वो कहता है कि जो शकुंतला है वो वही है जो मेरी पत्नी है, तो वहां पर वो व्याकुल हो जाता है। यहाँ पर शब्दार्थ है जो मृग तृष्णा, उसका अर्थ होता है तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना। यानी आपने देखा होगा कि हिरण जो आप रेत होती है, जो रण होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि ऐसी आभा आपको होती है कि जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आगे पानी है, लेकिन जब उसके पास जाकर देखते हो तो वहां आपको रेत ही रेत देखने को मिलती है। प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, व्याकुल यानी बेचैन। व्याकुल का मतलब है बेचैन, यानी ये बात उसको बेचैन कर देती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। यहाँ पर बालक खुश हो जाता है और उसे जो मिट्टी का खिलौना मोर था वो उसे बहुत अच्छा लगता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। यहाँ पर बालक की बाह पर जो रक्षाबंधन जो धागा बांधा हुआ था वो कहाँ गया। दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। नहर यानी से, दुष्यंत कहता है कि जब वो शेर से खेल रहा था तब वो उसके हाथ से छूट गया था, तो वहां पर पड़ा है, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ इतने तो उठा भी लिया। यहाँ पर दूसरी पहली तपस्विनी कहती है कि उसे मत उठाओ, तो यहाँ पर दूसरी तपस्विनी कहती है कि उसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है, वो दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था। यहाँ पर वो कहती है कि अगर जो ये रक्षाबंधन है वो तुमने उठाने के लिए मुझे क्यों रोका। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा महर्षि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सकेगा। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो रक्षाबंधन का अपराजित यानी पराजित न हो, ऐसा उसका लक्षण है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया कि जब उसका नामकरण हुआ था तब महात्मा महर्षि के पुत्र कश्यप ने उसे ये धागा बांधा था। तो ये धागा इसलिए बांधा था कि अगर वो छूट जाता है तो वह धागा उसके माता पिता के अलावा कोई उठा नहीं सकता। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। यहाँ पर दुष्यंत पूछता है कि अगर कोई उठा ले तो क्या हो सकता है। पहली तपस्विनी तो ये तुरंत साफ बनकर उसे डसता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि क्योंकि जो महात्मा महर्षि के पुत्र कश्यप ने उसे ये धागा बांधा था तो उसमें उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया था, इसलिए अगर कोई और उठाता है तो वो साफ बनकर उसको डस देता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है। यहाँ पर दुष्यंत कहता है कि सांप बनकर डसते हुए आपने कभी देखा है। तो तपस्विनी कहती है कि कई बार हमने इस तरह का दृश्य देखा है। तो यहाँ पर दुष्यंत के मन में जो शंका थी कि शकुंतला है जो उसकी ही पत्नी है, ये बच्चा उसका ही है, तो ये बात जानते ही वो खुश हो जाता है, आनंद में हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि जो भरत है वो
मेरा ही पुत्र है और वो शकुंतला और कोई नहीं मेरी ही पत्नी है। तो यहाँ पर इस तरह वह शकुंतला और उसके पुत्र के खोज में जो आया था तो वहां पर उसको वह मिल जाता है। तो यहाँ पर वो खुश हो जाता है और उसके बाद इस भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ। तो यहाँ पर हमने एकांकी भरत को पढ़ा और समझने का प्रयत्न किया। थैंक यू वेरी मच।